आर्य जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, उनकी जन्मभूमि अपना गुड़गांव या गुरुग्राम है। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के फर्रुख नगर की कौन सी झील है? हरियाणा के फर्रुख नगर में कौन सी झील है? आपका आंसर है दोस्तों सुल्तानपुर। सुल्तानपुर लुइक गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में फर्रुख नगर के अंदर पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? सुल्तानपुर लेक पूछें या सुल्तानपुर पक्षी विहार कहें, मतलब एक ही है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कहाँ व कब आयोजित की जाती रही है? दोस्तों अब की बार ये चंडीगढ़ में बुलाई गई थी, लेकिन उससे पहले 7 से 8 मार्च 2016 को गुड़गांव के एम्बियंस मॉल के लीला होटल में बुलाई गई थी। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से हुई? गुड़गांव से शुरू हुई। समा रिसोर्ट कहाँ पर है तथा यह कब बना? समा रिसोर्ट गुड़गांव में है और इसे 1974 में बनाया गया था। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? आपका आंसर गुड़गांव होगा। बुद्ध माता के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? आपका आंसर होगा मुबारकपुर, जो गुड़गांव के अंदर एक छोटा सा गांव है। बूढ़ी तीज के मेले का आयोजन स्थल कहाँ है या कहाँ लगाया जाता है इसे? इसका आंसर रहेगा आपका आल दुक्का, जो गुड़गांव के अंदर पड़ता है। जीडी गोयन का विश्वविद्यालय यानी जीडी गोयन का यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ हुई थी? गुड़गांव के अंदर दोस्तों जीडी गोयन का यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। एमएटी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ हुई? एमएटी विश्वविद्यालय गुड़गांव के मानेसर में है और इसे 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अभिनेता सतीश कौशिक हरियाणा के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? अभिनेता सतीश कौशिक का संबंध दोस्तों गुड़गांव से है। 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोरेट कहाँ का कलेक्टर था? गुड़गांव का। गुड़गांव का कलेक्टर 1857 के आंदोलन के समय विलियम फोरेट हुआ करता था। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आंसर गुड़गांव होगा। कांच व बालू राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है? यहाँ भी आपका आंसर गुड़गांव होगा। हरियाणा के किस जिले में 7 इंडस्ट्रियल एस्टेट हैं? आपका आंसर गुड़गांव रहेगा, क्योंकि गुड़गांव को इंडस्ट्रियल, गुड़गांव का हरियाणा का इंडस्ट्रियल हब, हरियाणा का आप अगर देख सकते हैं तो भारत के अंदर अगर हम वर्ल्ड में देखते हैं तो हमारे पास पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा आईटी कंपनियां यूएसए के सिलिकॉन वैली में है। इंडिया में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया का सिलिकॉन वैली हम गुड़गांव को कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कहाँ ऑटोमोबाइल उद्योगों के लिए रिसर्च और विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? गुड़गांव के मानेसर में। हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित किया गया? आंसर गुड़गांव होगा। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक नगर नामक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? गुड़गांव के अंदर। चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? आंसर गुड़गांव जिले के मानेसर में चौधरी देवीलाल आदर्श औद्योगिक नगरी की स्थापना की जा रही है। माता कृपी की स्मृति में गुड़गांव में किस मंदिर का निर्माण कराया गया है? माता शीतला देवी का। और माता कृपी या माता शीतला देवी के मंदिर को गुरु द्रोणाचार्य की माता के नाम से बनाया गया था। सराय अलीवर्दी गांव की मस्जिद किस जिले में है? गुड़गांव में है। हरियाणा के किस नगर में शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण के लिए यानी एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई है? आंसर गुड़गांव होगा। खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा के किस स्थान पर खेल छात्रावास यानी सपोर्ट हॉस्टल की स्थापना की गई है? आंसर गुड़गांव है। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा है? आपका आंसर गुड़गांव है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? आंसर गुड़गांव होगा। इच्छापुरी गांव हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? गुड़गांव में है। हर रविवार राहगिरी दिवस हरियाणा के किस जिले में मनाया जाता है? गुड़गांव में। सोना का किला गुड़गांव में पड़ता है। भक्त पूर्णिमा का मेला गुड़गांव के कासन नामक गांव पर लगता है। सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुड़गांव को हम सोलर सिटी भी कहते हैं। हरियाणा की कौन सी नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? गुड़गांव नहर
हरियाणा की गुड़गांव नहर दिल्ली में ओखला नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन यानी इंटरनेशनल सोलर एनर्जी अलायंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस भारत में गुड़गांव में है। दोस्तों यही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इंटरनेशनल संगठन है और इसका हेड ऑफिस इंडिया में है। भारत में पहली बार एक ऐसा मौका आया कि हमारे पास भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस हुआ और वह इंटरनेशनल सोलर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का हेड ऑफिस पूरे भारत के गुड़गांव में है। ये एकमात्र ऐसा संगठन है दुनिया का जिसका हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है। 2017 में इसे बनाया गया। गुड़गांव से हम फरीदाबाद जाते हैं तो उस रोड के ऊपर ये पड़ता है। हरियाणा सरकार द्वारा $5 मिलियन से नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास कहाँ किया जा रहा है, न्यू इंडस्ट्रियल एरिया या सिटी हम बना रहे हैं $5 मिलियन से गुड़गांव के अंदर। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके गुड़गांव को लेकर थे और अगर किसी भी दोस्त को हरियाणा जी के या दूसरे कोई भी नोट्स आईएएस से लेकर के कलक तक के जितने भी कंपटीशन एग्जाम के नोट्स होते हैं किसी भी साथी को जरूरत हो वो मुझे मैसेज करे। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 8447410108। किसी भी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे क्योंकि जो मेहनत आप लोग सफलता पाने के लिए कर रहे हैं उसमें ये योगदान मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हमारी मदद से अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो हम अपने आप को खुशकिस्मत समझे।